आज बात करेंगे भी एक्सट्रूजन की। एक्सट्रूजन क्या होता है और इस प्रोसेस को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रूजन जो है वो एक प्रोसेस है जो एक हीटेड मेटल को हम फोर्स करने के बाद एक डाई से निकालते हैं। इसका हम एक इमेज देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथपेस्ट फ्रॉम कोलगेट ट्यूब। अगर आप कोलगेट ट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, आप उसके ऊपर प्रेशर लगाते हो, तो उससे जो प्रोडक्ट बाहर आता है, उसके डाई ओपनिंग से जो प्रोडक्ट बाहर आता है, उसको हम इस सारी प्रोसेस को एक्सट्रूजन बोलते हैं। एक्सट्रूजन मतलब आपके पास एक मान लीजिए ट्यूब है, आप उसके ऊपर जब अप्लाई प्रेशर करेंगे, इसके अंदर है जो मोल्टन मेटल है, जो पिघला हुआ मेटल इसके अंदर है, जब आप इसके दोनों तरफ से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके बाद प्रोडक्ट आपको बाहर मिलेगा। अब जो ये प्रोडक्ट होगा इसकी शेप कैसी होगी, जैसी इस ट्यूब की ओपनिंग थी। इस ट्यूब की ओपनिंग अगर सर्कुलर है तो आपको सर्कुलर मिलेगी प्रोडक्ट, अगर ये स्केयर में है तो आपको स्केयर प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक्सट्रूजन क्या है, प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग ए हीटेड मेटल फ्रॉम ए डाई ओपनिंग। डाई ओपनिंग ये है, हीटेड मेटल इसके अंदर है और आप इसको दोनों तरफ से प्रेशर को अप्लाई करते हो, ये है एक्सट्रूजन। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन और एक इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। डायरेक्ट एक्सट्रूजन के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सेल होती है और हमारे पास एक पिस्टन होता है। इसके अंदर कॉर्नर पे हमारे पास एक डाई होती है, ये हमारी डाई है, जिसके बीच में एक ओपनिंग दी होती है जहाँ से मोल्टन मेटल फ्लो करेगा, यह है हमारी डाई ओपनिंग। ये डाई ओपनिंग है हमारी, और इन दोनों के पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, या फिर डाई और सिलेंडर और पिस्टन के बीच में हमारा होता है हॉट मेटल, और हम इसको बिलेट भी बोलते हैं, हॉट मेटल और बिलेट। अब जब ये पिस्टन आगे की तरफ जाएगा तो इस हॉट मेटल को प्रेस करेगा, प्रेस करने के बाद क्या होगा, ये मेटल इस डाई से बाहर निकलेगा और ये जो ओपनिंग है उसकी शेप ले लेगा, और बाहर निकलते ही ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। इसकी प्रोसेस देखते हैं, ये पिस्टन की मूवमेंट होगी इस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब पिस्टन आगे की तरफ जाएगा और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए ये जो बना ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब ये प्रोडक्ट कैसा है, इस डाई ओपनिंग के जैसा, इसकी शेप इस डाई ओपनिंग जैसी होगी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सट्रूजन। डायरेक्ट एक्सट्रूजन मतलब पिस्टन लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा और जो मोल्टन मेटल बीच में है उसको आगे फ्लो कर देगा, ये तो है डायरेक्ट। और दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन के अंदर क्या होगा, हमारे पास ये सिलेंड्रिकल सेल है, ये पिस्टन है, ये डाई है। अब ये डाई यहाँ से हमने क्लोज कर दी है, इसमें कोई ओपनिंग नहीं है, लेकिन इसके रिवर्स पिस्टन के बीच में हमने ओपनिंग दे दी है जो मेटल फ्लो करेगा। मीन्स अब जो मेटल फ्लो करेगा वो आगे नहीं जाएगा, जब पिस्टन आगे बढ़ेगा तो मेटल पिस्टन के बीच में से फ्लो करके बाहर आएगा और हमारा प्रोडक्ट देगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। इसकी वर्किंग देखते हैं, तो इसने हमें ये इस तरह से ये प्रोडक्ट दिया। मीन्स ये प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिला, जो ये पिस्टन के बीच में ओपनिंग थी ये हमें प्रोडक्ट देगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, जिसमें डाई की यहाँ से क्लोज होती है और पिस्टन के बीच से हम उसको ओपनिंग देते हैं, ये है हमारा इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। ये हमारी पिस्टन मूवमेंट होगी। हमारे पास बहुत तरह की डाई ओपनिंग हो सकती हैं, जैसे ये है सर्कुलर, स्टार मार्क, स्केयर, किसी भी शेप की हम ओपनिंग ले सकते हैं। जो ये सब, ये सर्कुलर, स्केयर, ये फेस, कोई भी ओपनिंग आप देंगे आपको उसी तरह का प्रोडक्ट बाहर मिलेगा, ये हमारी डाई ओपनिंग है। आप कोई भी शेप ले सकते हैं, दिस ऑल आर द डाई ओपनिंग्स। तो ये डाई ओपनिंग्स आप किसी भी शेप की लेंगे आपको उसी तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये था एक्सट्रूजन और उसके टाइप्स।